आशुतोष गोवारिकर की फिल्म पानीपत विवादों में फंसती नजर आ रही है। महाराष्ट्र के मशहूर साहित्यकार विश्वास पाटिल ने गोवारिकर प्रोड्यूसर रोहित सलाटकर और रिलायंस एंटरटेनमेंट पर केस भी दर्ज किया है। तकनीकी तौर पर इसे कमर्शियल आईपी सूट कहा जाता है। आईपी से यहां तात्पर्य है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा। पिछले साल प्रोड्यूसर रोहित सलाटकर के प्रतिनिधि संजय पाटिल मेरे पास आए थे, ऐसा कहना है विश्वास पाटिल का। वे कहते हैं कि इस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर भी हैं वो। उन्होंने तब कहा था कि राइट्स को लेकर मेरा नाम कंसीडर भी किया जाएगा, ये भी कि नॉवल के प्रोमाइज में फिल्म प्रेरित होगी। मैंने तब मौखिक तौर पर इजाजत दी थी, जिसके बाद संजय ने स्क्रिप्ट तैयार की। 15 अगस्त 2017 को स्क्रिप्ट रीडिंग भी हुई। अब जब मैंने ट्रेलर देखा तो नॉवल से पन्ना दर पन्ना यहाँ तक कि डायलॉग्स तक उठाए गए हैं। मैंने तब इजाजत बेसिक प्रेमाइज की दी थी, लेकिन यहाँ तो हूबहू डायलॉग्स और सीन तक उठा लिए हैं। इसे ही लेकर मैंने उन पर केस भी दर्ज किया है। मेरे वकील ने 7 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। पानीपत की तीसरी लड़ाई को नॉवल की शक्ल देने में मुझे 6 साल लगे। मैंने हार को भी जीत के जज्बे में बदला था। अपनी कहानी के नैरेटिव से ये महसूस करवाया था कि मराठा आर्मी ने उस हार में भी जीत महसूस की थी। ये सब जस्ट कतस फिल्म मेकर्स ने चुरा लिया है। ये नजीम खान अब्दाली वगैरह जैसे करेक्टर मेरे उपन्यास से हैं। जाते जाते बता दें कि इस फिल्म के अलावा भी कई बॉलीवुड फिल्मों पर पहले चोरी का आरोप लग चुका है, जिसमें से एक है मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर। इस फिल्म के मामले में आर्बिट्रेशन तक केस गया, जहां आरोप लगाने वाले मनोज मेहरिता और राकेश ओम प्रकाश मेहरा के बीच सेटलमेंट हो गया। इस बेसिस पर क्रेडिट टाइटल में मनोज मेहरिता का नाम सबसे पहले गया। उन्हें क्रेडिट में हुसैन दलाल और राकेश ओम प्रकाश मेहरा के साथ नाम शेयर करना पड़ा। अगली फिल्म रही बाला। इसी साल मार्च में सुधीर मिश्रा के असिस्टेंट रहे कमल चंद्रा ने बाला के मेकर्स पर उनकी कहानी विक चुराने का आरोप लगाया था। 1 करोड़ के हर्जाने की भी मांग की थी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। फिल्म रिलीज हो चुकी है और हिट भी रही। तो वहीं खानदानी सफाखाना सोनाक्षी सिन्हा स्टारर इस फिल्म के मामले में नेशनल अवार्ड विनर अमिताभ पारस्कर ने टी सीरीज पर केस दर्ज किया था। 2 करोड़ की डिमांड भी की, लेकिन उनके पक्ष में भी फैसला नहीं आया। फिल्म रिलीज भी हुई और फ्लॉप भी रही। नेक्स्ट 9 लाइफस्टाइल डेस्क की रिपोर्ट।